नमस्कार, मैं उत्तम कुमार स्वागत करता हूं आपका फरीदाबाद न्यूज सेशन में। आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद की सेक्टर 30 की हुड्डा मार्केट में। यहां पर प्रशासन द्वारा आदेश के अनुसार 5 बजे दुकानें बंद हो गई हैं। आइए लोगों से पूछते हैं क्या है उनका कहना इस आदेश पर। सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बंद नहीं हुई है क्योंकि अब कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा टाइम लोगों को मिलेगा कि अपना थोड़ा सा सेफ्टी वाइज घर पहुँचे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि शाम के समय ही दुकानदारी होती है, तो इस चीज़ को लेकर क्या आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रशासन अभी पूरा क्लियर नहीं है कि क्या क्या खुला रहेगा क्या क्या बंद रहेगा, उनको अभी खुद को नहीं पता कि क्या आधा खुला है क्या बंद है, तो जिस हिसाब से पूरी गाइडलाइन प्रॉपर रिटर्न में आनी चाहिए। तो लोगों का ये कहना है, दुकानदार भाइयों का हमारे का, कि प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस आनी चाहिए किन दुकानों का खुलना है किन दुकानों का नहीं खुलना है। आइटम है दूध वगैरह हो गई, उसको मतलब होम सर्विस तो चाहिए होती है, हर एक को, हर बंदा ऑफिस से लेट आया तो उसको अपना थोड़ा बहुत राशन लेके तो घर पहुँचने का टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि शाम के समय लोग ड्यूटी से आते हैं, उस यही टाइम होता है 5:30 से 6 बजे का, जिस टाइम पे से लोग अपने ड्यूटी पे से आते हैं, तो उस समय उनके पास इतनी थोड़ी सा होनी चाहिए कि वो घर के लिए अपने राशन पानी कुछ लेके जा सके, दूध वगैरह लेके जा सके। इसमें कहीं ना कहीं दुकानदार लोगों को लगता है क्या उनका भी नुकसान कुछ हो रहा है? दुकानदारों को तो बहुत नुकसान है जी, क्योंकि जो लोग 5 बजे तक निकलते नहीं थे वो 5 बजे के बाद ही निकलते हैं, तो ही घर पे कुछ सामान लेके जा पाते हैं। उससे पहले तो बंदा ऑफिस वाला है तो ऑफिस में ही रहेगा ना, ऑफिस से तो शॉपिंग कर नहीं पाएगा, तो उसके बाद टाइम उसको मिलेगा 2 घंटे तो उसमें शॉपिंग कर लेगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप लोगों के कुछ मन में ये भी है, पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं और दुकानों को बढ़ा भी रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं शाम के समय थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। सुबह से आए तो थोड़ा सा लेट खोलें, लेकिन शाम के समय थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए ताकि जो ड्यूटी से आने जाने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को थोड़ा सा सामान ले सकें। लेकिन दुकानदार सहयोग कर रहे हैं, लोग प्रशासन सहयोग कर रहा है, पर लोग क्या लोग सहयोग कर रहे हैं आने जाने वाले? क्या सभी लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? मास्क नहीं लगाया आपने, क्या कहना है? आपको पता है कि फरीदाबाद में इतने केस बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क फैली तो भाई साहब, मास्क तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 10 रुपये की मिल जाती है, फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया। पता है कि इतने कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं फरीदाबाद में, 5 बजे के बाद दुकानें बंद हैं, फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया? लोगों की अपनी अपनी राय है, आइए इन भाई साहब से पूछते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है तो ये आपके साथी हैं, क्यों आपने इनसे नहीं कहा कि कोविड के इतने केसेस पड़ रहे हैं तो मास्क लगाया जाए? बिल्कुल, अपनी अपना राय है, अपने अपने एक्सक्यूज हैं लोगों के, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सख्ती कर रहा है, दुकानें बंद हैं 5 बजे के बाद में, लॉकडाउन की संभावना लग रही है, दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें।